हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस पी रावत और बेटे मैं 25 साल से ज़्यादा से अकाउंटेंसी, बिजनेस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है कंपनी। तो मेरे बेटे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिजनेस की तीन फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस और एक होता है कंपनी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इस बिजनेस में हमेशा से एक पर्सन इस बिजनेस को चलाता है। इट मींस ऑल रिस्क एंड रिटर्न बिलोंग्स टू वन पर्सन। व्हाइल इन पार्टनरशिप वी हैव मिनिमम टू पार्टनर्स एंड मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स। यानी यहां पर बिजनेस का एक ऐसा मॉड्यूल बनाया गया जहां उन्होंने सोचा, क्यों यार एक ही आदमी सारा रिस्क ले, एक ही आदमी सब रिटर्न ले, क्यों ना इसे मिल बांट कर देखें। ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा कैपिटल होगा, ज्यादा दिमाग होंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और फिर बांटेंगे। और इस तरीके का बिजनेस मेरे बेटे पार्टनरशिप बिजनेस होता है। अब आता है एक और बिगेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कॉल्ड कंपनी। कंपनी मेरे बेटे एक बहुत विशाल बिजनेस होता है। इसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और एक ऐसे बिजनेस के रूप को हम बोलते हैं कंपनी। सर, जब इतना बड़ा बिजनेस होगा, पैसे कौन लेकर आएगा? तो डेफिनेटली पब्लिक। मेरे बेटा, पब्लिक इसमें अगर पैसा लगाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्या सर हर कंपनी में पब्लिक ही पैसा लगाती है? नहीं मेरे बेटे, कंपनी के भी अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक कंपनी ऐसा हो सकती है कि उसमें अकेला ही आदमी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कुछ लोग मिलकर पैसा लगा रहे हैं, पब्लिक का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। पब्लिक के तो मना होता है कि आप बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगे। जो सबसे बड़े रूप में जब कंपनी चलाई जाती है तो इट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। यानी कंपनीज में भी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बेटे यानी ये कहना चाहता है कि जो भी कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो भी कंपनीज हैं, और इससे पहले के किसी भी कंपनी एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट हुए, तो वो भी कंपनीज हैं। इसका मतलब है कि वो सभी का कंपनी का स्टेटस बनाए रखना चाहता है, और अगर ऐसा नहीं कहता तो पहले जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी किसी और एक्ट में तो वो इनवैलिड हो जाती। तो बच्चों आज इतना ही, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।